मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं इस दौरान ज्येष्ठ नागरिकों का क्या कहना था। राजीव गांधी जीवनदायी योजना के तहत चार लोगों को कवर किया जाता है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे आ जाते हैं और बुजुर्ग माता पिता अलग रह जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई उनको भी उसमें आप इंक्लूड कर दीजिए, उनका फायदा उन्हें भी दे दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सरकार के ये ख्याल रहने के लिए हम फेसकॉम ने ये सोचा है कि आने वाले 12 तारीख को VT स्टेशन के ऊपर, यानी कि अपने CST स्टेशन के ऊपर एक धरना लिया जाएगा, जहां हजारों की तादाद में बुजुर्ग लोग शामिल होंगे। और ये धरना सिर्फ मुख्य धरना है, इसमें किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक साइलेंट प्रोटेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसके तहत सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि सभी नागरिकों का हम के लक्ष्य केंद्रित करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी बता देना चाहते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, भले आज हम बात करें आज के ज्येष्ठ नागरिक की, लेकिन सिर्फ उनके लिए सीमित नहीं है, ये आने वाले कल ऐसे हजारों लाखों बुजुर्गों के लिए एक काम में आने वाला धोरण है, इसलिए जरूरी है सब लोगों ने एक साथ मिलकर आना चाहिए। सीनियर नागरिक है, ज्येष्ठ नागरिक है महाराष्ट्र में, उनको जो धोरण शासन ने डिक्लेयर किया है उसकी अमल बजावनी इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हो रहा है, और उसकी उससे ज्येष्ठ नागरिक को बहुत तकलीफ करना हो रही है। महाराष्ट्र में जितने भी ज्येष्ठ नागरिक है, नियर अबाउट 1,36,00,000, इतने ज्येष्ठ नागरिक होने के बाद भी ज्येष्ठ नागरिकों की जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से वो मिल रही नहीं, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रहा, और वो जो सामाजिक परिस्थिति बदल हो गई है उसकी वजह से ज्येष्ठ नागरिक बहुत इसमें संकट में आ गए हैं। इसीलिए हमने अभी मोर्चा का प्रावधान किया है, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। 11 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता है आउट ऑफ 1,36,00,000, 136 लाख में से 11 लाख लोगों को दिया जाता है। भारत सरकार से 14 लाख लोगों को पेंशन देने के लिए व्यवस्था है, उसमें विधवाएं हैं, अपंग है और वरिष्ठ नागरिक है, जो सभी सभी के लिए 14 लाख लोगों के लिए देने की व्यवस्था है। लेकिन हमारा राज्य सरकार ये 14 लाख लोगों का पेंशन भी यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशरीज, जो लाभार्थी है उनका वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको समय ही नहीं है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और ये केवल 11 लाख लोगों को लिए पेंशन देते हैं। अन्य राज्यों में जो भारत सरकार से पैसा आता है जितने लोगों के लिए, उससे ज़्यादा लोगों को पेंशन देते हैं, जैसे कि बिहार है, बिहार में 20 लाख लोगों को पेंशन आता है भारत सरकार से। राज्य सरकार अपने अर्थसंकल्प में व्यवस्था प्रोविजन करके एडिशनल 29 लोगों को, ऐसा टोटल 49 लाख लोगों को पेंशन देता है बिहार राज्य, हमारे से बहुत छोटा राज्य है। ये इंडिया शाइनिंग है उनके कारण है, वो मजदूरी करते हैं, रस्ते बांधते हैं, बिल्डिंग बांधते हैं, वो नेशनल हेल्थ केयर मिशन में काम करते हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर काम करते हैं, छोटी छोटी महिलाएं, उनको कितना पगार देते हैं, पहले तो 800 रुपये देते थे, अभी थोड़ा कुछ पेंशन बढ़ा है, पगार बढ़ाया है, इतना कम पगार मिलता है तो वो कुछ बचा नहीं सकते हैं, खर्चा ही करना मुश्किल होता है, बचा कुछ नहीं रहता है एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ, इसलिए ये लोगों को पेंशन देना आवश्यक है। अन्य राज्यों में पेंशन दे रहे हैं, और फार्मर्स तो 100% फार्मर्स उन्होंने कवर किया है, जो भी 60 वर्ष के ऊपर फार्मर्स है उनको सभी को पेंशन मिलता है, उसको कितनी ज़मीन है, वो गरीब है या नहीं है, उसको पेंशन दिया जाता है, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादा पेंशन की आवश्यकता है। कैमरामैन संदेश के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SNTV न्यूज़ मुंबई।